आज की न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज किनवड़ में एक ऐसे डायरेक्टर और फिल्म कलाकार जो मराठी फिल्मों में बहुत सारे फिल्मों में काम किए, ऐसे कलाकार यहाँ आदिवासी इलाके में आकर और एक पिक्चर बनाए जिसका नाम है बिरसा मुंडा। तो वो बहुत सारे फिल्मों में काम किए, लेकिन यहाँ पर आकर एक बिरसा मुंडा जो आदिवासी समाज के ऊपर बिरसा मुंडा नाम का फिल्म है, तो बिरसा मुंडा पिक्चर बनाए इन्होंने और इन्होंने उसमें काम भी किए। तो उनसे बात करते हैं कि इनका नाम है जयराज नायर सर, तो इनसे बात करते हैं कि इन यहाँ पर फिल्म बनाने का क्या मकसद है जी? यहाँ तो मैंने तो नहीं फिल्म बनाया, ये जो बिरसा मुंडा फिल्म है वो उमाकांत कामली ने बनाया है, वो उनका राइटर है डायरेक्टर है। वो फिल्म का जो लघुपट महोत्सव था यहाँ पे, उन्होंने मुझे बुलाया, कल से मेरा यहीं पे शूटिंग चल रहा है नांदेड़ में। इस अवसर पे उन्होंने मुझे बुलाया और इसका आज मुझे वो फिल्म देखने को मिला। बहुत अच्छी फिल्म है कि मैं उमाकांत कामली जी जो है वो फिल्म के राइटर है, वो हमेशा जो भी फिल्म बनाता है वो फिल्म के आधार है लोगों को कुछ एजुकेशन मिलता है, प्रबोधन मिलता है। इसी तरफ के ऐसे सब्जेक्ट वो चुनता है और वो सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाता है। उनके मैंने दो फिल्म बनाए, एक आदर्श शिक्षक, अच्छा, और अभी एक फिल्म की शूटिंग चल रहा है घाई रे घाई लगिन घाई, अच्छा, घाई घाई लगिन घाई, अच्छा, वो भी बहुत अच्छी अच्छा सब्जेक्ट है। फिल्म रिलीज होने के बाद आप लोगों को देखो, फिर आपको समझ में आएगा फिल्म कितना अच्छा है। आप ये बिरसा मुंडा जो है इसमें कौन सा रोल किए? इसमें मैं इसमें रोल नहीं किया है, नहीं किया, मैं आज चीफ गेस्ट करके उन्होंने बोला है, इसलिए मैं आया। अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे कन्वर्ट बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आदिवासी समाज के ऊपर, आदिवासी समाज के ऊपर ये फिल्म है, मैं यहाँ पे आया, ये कन्वर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। या बनावट आदमी ने सब अच्छा दिल से प्यार कर रहा है, मुझे बहुत इज्जत किया, मेरा बहुत इज्जत किया, दिल से प्यार किया, इसलिए मुझे ये शहर भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और यहाँ पे मैंने सुना कि बहुत फिल्म बनते हैं, बहुत सारे यहाँ पर, हमने भी बहुत सारे फिल्में यहाँ पर बनाई सो है आपकी दुआ से। और आप यहाँ पर आके बहुत सारा लोकेशन देखिए आप, और आपको भी पसंद आएगा। तो जो बिरसा मुंडा है तो आपको कैसी लगी ये पिक्चर? मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्म, और इसका लोकेशन तो बारे में पूछो ही मत, इतना अच्छा लोकेशन। मैं बोलता है यहाँ जो अपनी मराठी फिल्म बनाते हैं मुंबई में, वो लोग कोल्हापुर में, यहाँ आके बनाने में कुछ हर्जा नहीं है, अगर बनाएंगे तो अच्छा लोकेशन भी मिल जाएगा। अभी यहाँ बहुत अच्छे आर्टिस्ट लोग हैं, उनको यहाँ से भी बाहर निकलना है, बम्बई जाना चाहिए, और जाएंगे, इसमें से कोई ना कोई अच्छा एक्टर, बड़ा एक्टर, नामचीन एक्टर ज़रूर बनेगा, क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक एक्टर है, डायरेक्टर है, राइटर है। आपने भी फिल्म बनाया जी, आप भी बहुत फिल्म बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। आपका चैनल भी अच्छा है आज की न्यूज़, और आज के न्यूज़ में न्यूज़ देने का, बात करने का, मेरा मुलाकात का ही मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा अच्छी मुलाकात इन्होंने लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमको भी खुशी हुई कि आप मुंबई से यहाँ पर एक आदिवासी इलाके में आकर लोगों को हिम्मत अफजाई दिए, और हमारे जो उमाकांत कांबड़े साहब है, उन जिन्होंने बिरसा मुंडा बनाई पिक्चर, तो उनके लिए भी हमारे तरफ से आप शुभकामनाएं हैं, और कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के आदिवासी समाज के बारे में? अभी तो मैंने फिल्म देखा, लेकिन आदिवासी समाज जो है अभी पहले जैसे नहीं, बहुत जागरूक हो गया है, उनको अभी अच्छा क्या बुरा क्या वो सब कुछ मालूम है। और कामले साहब ने फिल्म में ये भी बताया जो अंधश्रद्धा है, वो अंधश्रद्धा के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा बना ये किया कि अंधश्रद्धा से बाहर आ जाओ, आदमी के हाथ में ताकत है, आप अगर कुछ सोचेगा अच्छा काम करने का तो आप आराम से कर सकते हो, उसके लिए किसी अंधश्रद्धा की ज़रूरत ही नहीं है। ये यहाँ आके मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी पहले जैसे आदिवासी ने, अभी आदिवासी पढ़ते हैं, आदिवासी में भी अच्छे अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे अच्छे जॉब पे, अच्छे एजुकेटेड बच्चे, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि
ऐसे आदिवासी में ऐसे एजुकेशन हो रहा है और आदिवासी बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं वो देख के मुझे बहुत खुशी हो गया कि ऐसे आगे बढ़ना ये मेरी दुआ है। हमारा नांदेड़ ज़िला जो किन्नौर तालुका है और पूरे महाराष्ट्र में फेमस है आदिवासी समाज के ऊपर, आदिवासी एरिया के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर सागवान ज़्यादा निर्यात होती है। और आपका सर फेमस फिल्म कौन सा है ये बोलिए थोड़ा। मेरा मराठी फिल्म है गोंदिया मारतो तंगड़। अच्छा। अरे देवा सगळं करून भागलं, यहाँ यही की फिल्म है एक आदर्श शिक्षक। अच्छा। ऐसे एक ये आदर्श शिक्षक किस किसके ऊपर टॉपिक है, यानी कि शिक्षक के ऊपर है क्या? शिक्षक के ऊपर मैंने पहले क्या उसमें बताया। हाँ। कोई कोई शिक्षक लोग क्लास में आता है। अच्छा। और अपना इंडिविजुअल काम करते हैं। अच्छा। वो चलो को बोलते किताब निकालो पढ़ो, और खुद का इंडिविजुअल काम करते हैं। अच्छा। फिर धीरे धीरे वो शिक्षक कैसा चेंज होता है और बच्चों को कैसा पढ़ाता है। अरे ऐसे पढ़ाते शॉर्ट मूवी है कि फुल मूवी है? लघुपटी है। लघुपटी, लेकिन बहुत अच्छे है कि हर शिक्षक ने देखना चाहिए फिल्म, कि इसमें बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि बाद में वो कैसे चेंज होता है और एक आदर्श शिक्षक बनता है, ऐसा ये फिल्म में बताया। तो ये थे हमारे नायर सर जो कि मुंबई से आए थे चीफ गेस्ट बनकर। तो आज की न्यूज़ को इन्होंने भेंट भी दिए और यहाँ पर चीफ गेस्ट बनकर हमारे बिरसा मुंडा का जो फिल्म उत्सव है उसका चीफ गेस्ट बनकर भी आए, उसके लिए हम तहे दिल से इनका शुक्रगुजार करते हैं। और आज की न्यूज़ की तरफ से आपको मुबारकबाद। थैंक यू सर।